तो पहले पूछते कि आपको ट्रैवल करना पसंद है मतलब यहाँ वहाँ घूमना पसंद है जो हमारे राइटर हैं बुक के जो चैप्टर के राइटर हैं जिनका नाम है लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया तो उसमें एक वो बहुत ही लंबी सी जर्नी को डिस्क्राइब करते हैं जो होता है चाइना से इंडिया वाया टिब्बे नेपाल जिसमें वो बीच में टिब्बे और नेपाल भी जाते लाइक अजमेर like शरीफ सांची वाराणसी सारनाथ और हालिबिद तो ये जगहों के नाम है कि काफ आपने इन जगह के नाम सुने हैं कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दीज और फिर इसके अलावा क्या और भी कोई जगह के नाम बता सकते हैं आप डू द सराउंडिंग्स ऑफ अ होली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक तो ऐसी कोई जगह जहा पे लोग प्रार्थना करने जाते हो होली प्लेस क्या होता है जहा पे बहुत ज्यादा टेम्पल्स या मंदिर मस्जिद हो तो ऐसी जगह का सराउंडिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत आपके सिटी में जो है वो कैसे लगते हैं

तो एक जगह है एक टेम्पल है पशुपतिनाथ जहाँ पर एंट्रेंस सिर्फ हिंदू को मिलती है जहां सामने साइन लगा हुआ है देर इज एन एटमोसफेयर ऑफ फोबाइल कन्फ्यूजन तो वहा पे ऐसा एटमोसफेयर है जैसे कि फोर्बाइल कन्फ्यूजन हो फाइल कन्फ्यूजन क्या होता है हरीड एक्टिविटी कम्पलीट के मतलब बहुत ही ज्यादा uh, चल रहा था वहा पे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं लग रहा था सबके सब, सब यहाँ से वहां चले जा रहे थे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि ठीक से ऑर्गेनाइज मानो में चल रहा हो proclaim का मतलब होता है make known publicly और officially कि जो जहाँ सामने uh, मंदिर के बाहर लगा हुआ था एंट्रेंस पे कि सिर्फ हिंदूस एंटर कर सकते हैं तो प्रोक्लेम कर रहा था वो कि स्टेट कर रहा है सबको बता रहे कि यहाँ पे सिर्फ हिंदूस आ सकते हैं priests hawkers devotees tourists cows monkeys pigeons and dogs roam around through the ground तो वहाँ पे जमीन पे कौन-कौन चल रहे थे इतने सारे लोग चल रहे थे priests मतलब जो वहाँ पे पंडित थे hawkers जो वहां पे कुछ सामान बेचते थे devotees जो वहां पे अपने रिस्पेक्ट पे करने आए थे प्रार्थना करने आए थे टूरिस्ट्स की वो जो सिर्फ देखने आए थे गाय मंकीज फिर मतलब बंदर पिजन्स का मतलब बर्ड्स वगैरह भी थी डॉग्स भी थे ये सब चीजें यहाँ पे ग्राउंड में चल रही थी वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स तो फिर वो वहां पे जाके कुछ आ, फूल चढ़ाते हैं एज ऑफरिंग्स देर आर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एलबोर्ट असाइड बाई अदर पुशिंग वे

everyone बाउज and मेक्स वे तो सभी के सभी जो लोग थे वो सभी के सभी झुकते हैं उनको रिस्पेक्ट पे करते और जगह बनाते हैं उनके लिए by the main gate a party of saffron clad westerners struggle for permission to enter तो जो मेन गेट पे एक saffron क्लाड westerners थे मतलब अब्रॉड के लोग आए हुए थे तो उनको परमिशन चाहिए थी अंदर घुसने की जो उन्हें मिल नहीं रही थी the policeman is not convinced that they are hindus तो

ओल्ड ऑफरिंग नाउ विड इज ड्रॉप्ड इन टू द रिवर तो एक बास्केट है बड़ा सा एक बाल्किनी से लोग बास्केट में से फ्लावर्स और लीव फेंक रहे हैं और एक ओल्ड ऑफरिंग जो अब विल्ट हो गया विल्ट का मतलब क्या होता है की जो फूल पत्ते है वो इतने पुराने हो गए है की वो मुरझा रहे हैं तो वो लिम्प हो रहे है मतलब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके स्टेम्स तो उन्हें पानी में फेंका जाता है रिवर में अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक तो एक छोटा सा श्राइन निकलता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक छोटा सा जैसे मंदिर छोटा सा बना दिया जाता है वो कहाँ से निकल रहा होता है का का मतलब निकल रहा होता है, एक stone platform पे, एक पत्थर का platform होता है है एक एक पे पत्थर के ऊपर जब वो पूरी तरह दिखने लगता है वो ऊपर आ जाता है पानी के द गोडस इन साइड विल एस्केप तो उसके जो श्राइन है उसके अंदर जो गॉडेस है वो वहां से निकल द कलयुग विल एंड ऑन अर्थ और वो जो इविल पीरियड चल रहा है हमारे अर्थ के ऊपर कलयुग चल रहा है कि जो बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है अर्थ के ऊपर वो खत्म हो जाएगा जैसे ही उसमें से गॉडेस बाहर निकलेंगी एट द बोधनाथ स्टूपा द बुद्धास Shrine ऑफ काठमांडू देयर इज इन कंट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस तो अब वो दूसरी जगह जाते हैं दूसरा टेंपल क्या है बोधनाथ स्टूपा ठीक है वहां पर बुद्धास Shrine है वो बुद्धिज्म की वहाँ पे बेसिकली रिलीजन फॉलो होता है तो उस श्राइन में काठमांडू के अंदर है इन कॉन्ट्रास्ट मतलब जैसे हाँ रोड तो जो मंदिर है उसका शेप कैसे डोम शेप्ड में मतलब वो स्पेर जैसे दिखेगा गोल दिखेगा ऊपर से और वो बहुत ही बड़ा है इमेंस मतलब बहुत ही बड़ा है पहाड़ देखने इसके लिए फिर इट्स रिंक्ड बाय अ रोड कि वो जो डोम उसके चारों तरफ क्या एक रोड चल रहे हैं स्मॉल शॉप स्टैंड आउट ऑन इट्स रेजेस तो छोटी छोटी शॉप्स है उसके आउटर एजेस में मेनी ऑफ दीज आर ओन बाय टिबन इमिग्रेंट्स तो ये मोस्टली टिबन तिबि इमिग्रेंट्स ने खड़ी करी वहाँ पे जो शॉप्स हैं छोटी छोटी फेल्ट बैग्स टिबन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी वॉट यूर तो ऐसे बैग्स टिबन प्रिंट्स वगैरह ज्वेलरी वगैरह वो वहां पे बेचते थे देर आर नो क्राउड्स

हमें देखने को मिलेगा सब कुछ उसके पिक्चर्स वगैरह इतने सुंदर होंगे बहुत ही रियलिस्टिक होंगे मर्सनरी होता है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत मनी माइंडेड होते हैं क्योंकि लोग आउट ऑफ रिलीजन वो बहुत ज्यादा पैसा निकालना चाहते हैं रिलीजियस साथ के साथ रिलीजियस भी है वहाँ पे जो लोग आते हैं वहाँ का एटमोसफेयर ऐसा है कि लोग मोस्टली आते हैं वहां पे प्रेयर करने के लिए एंड छोटे छोटे वहां पे श्राइन्स है छोटी छोटी टेम्पल्स है एंड टू फ्लावर अडोट डाइटीज के और वहाँ पे डेटीज हैं, डेडीज क्या होता है जिनको लोग रिलीजियसली मानते हैं जिनकी पूजा करते हैं अलॉन्ग तो दारोएसम पतली पतली और बहुत बिजी बिजी स्ट्रीट्स में भी हर जगह प्रेयर्स चल रही होते हैं विद्रूट सेलर फ्लूट सेलर हॉकर्स और पोस्ट कार्ड शॉप सेलिंग वेस्टर्न कस्मेटिक्स तो वहां पे फ्रूट सेलर्स है वहाँ पे फ्रूट बेचे जा रहे हैं फलूट बेचे जा रहे है, जा रहे है hawkers, मतलब जो बेचने वाले लोग है वो पोस्ट कार्ड भी बेच रहे हैं वहाँ पे वहाँ पे वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स भी खरीद सकते हो फिल्म रोल्स भी खरीद सकते हैं चॉकलेट्स भी खरीद सकते हैं एंड कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपाली साइंटिक्स तो ये सब चीजें वहां पे खरीदने को बहुत आराम से मिल जाती है वे तो वहां पे गाने चल रहे होते हैं फिल्मों के पुराने पुराने रेडियो में से ब्लेयर आउट कर रहे थे मतलब बहुत ईजी से बज रहे होते हैं कार्स के हॉर्न सुनाई देते हैं बाइसिकल्स के बेल्स सुनाई देती है फिर वो जो स्ट्रे काउस होते हैं मतलब ऐसे जंगली काउज होते हैं जो ऐसे रोड पे चलते रहते हैं वो लो क्वेश्चनिंगली मतलब ऐसे बहुत ही आवाज निकाल रहे होते हैं मोटरसाइकिल्स को देख के कि मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ फिर वेंडर्स जो होते हैं जो वहा पे बेचने वाले लोग होते हैं वो अपने रेट्स वगैरह बता रहे होते हैं और फिर वो जो उनका लाइंस नहीं होती जैसे कि आ दो के तीन वगैरह वगैरह ऐसे ऐसे अपने चीज बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं

और साथ के साथ कॉर्न ऑन द भुट्टे वगैरह खाते हैं तो वो चारकोल के ऊपर वो जला के आ, पकाया जाता है जिसको रब करते हैं सॉल्ट से चिली पाउडर से और लेमन से अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स एंड इवन रीडर्स डाइजेस्ट तो ऐसे लव स्टोरी वाली कॉमिक्स खरीदते हैं वो ऐसे मैगजीन्स खरीदते हैं और रीडर्स डाइजेस्ट ऐसी मैगजीन्स खरीदते हैं ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला एंड अ अटेड ऑरेंज ड्रिंक और साथ के साथ फिर वो ये सब पढ़ते हैं आराम से बैठ के ऑरेंज ड्रिंक पीते हैं

तो वो कहते हैं कि अगर उनमें बहुत ज्यादा एंथजियाज्म है मतलब उनको बहुत ज्यादा जोश चढ़ रहा है ट्रैवल करने का प्रॉपर्ट मतलब कि उनको कि किसी डायरेक्शन में पुश कर रहे है कोई चीज़ की एंथ्यजम उनको अंदर से इतना ज्यादा मन कर रहा है ट्रैवल करने का कि वो सोच रहे कि अगर उन्हें ट्रैवल करना है सिर्फ ट्रैवल करने के मामले में जाना है उन्हें तो फिर वो बस लेंगे आई वुड गो बाई बस एंड ट्रेन टू पटना तो वो बस और ट्रेन यूज करेंगे पटना जाने के लिए देन सेल ऑफ द गैंग बनारस टू अलाहाबाद तो उसके बाद वो पहले गंगा जाएंगे के पास से बनारस जाते हुए जाएंगे, अलाहाबादेज द लास्ट डे ऑफ ऑगस्ट पर वो इतने ज्यादा थके हुए होते हैं बहुत ज्यादा थके होना और होमसेक मतलब उन्हें घर की याद आ रही थी और आज वैसे भी आखिरी दिन था ऑगस्ट का गो होम आई टेल माई सर तो अपने को बोलते कि घर चले जाओ

तो वो बैंबूज से बने होते हैं और वो क्रॉस होते होते हैं और होते हैं और रिकॉर्डर्स उसके पास। एंड प्लेस फॉर टाइम टू टाइम फ्लूट मेकर क्या कर रहा था बेचने टाइम टू टाइम वो पोल को ग्राउंड में रख रहा था फिर कोई सा भी रैंडमली फ्लूट उठा रहा था और फिर थोड़ी देर बजा रहा था सन राइज इज क्लियर अब द क्राइज तो जो फ्लूट की आवाज है वो बाकी सारी चीजों की इवन तो वहां पे बहुत नॉइज था ट्रैफिक का बहुत आवाज था और हॉकर्स भी अपने चिल्ला रहे थे सामान बेचने के लिए तब भी उनको बहुत ही क्लियरली बहुत ही अच्छे से सुनाई दे रहा था उनका फ्लूट का आवाज ही प्ले स्लोली मेडिटेटिवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले और वो इस तरह से बजा रहा था कि वो बहुत ही आराम आराम से बजा रहा है मेडिटेशन कर रहा हो जैसे उस तरह से बजा रहा था और ज्यादा एक्सेसिव मतलब ज्यादा एक्सट्रीमली डिस्प्ले नहीं कर रहा था कि वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है

और ऐसा लग रहा था आजिफ इट व इंसिडेंटल टू हिस्स एंटरप्राइज कि ये तो होता ही है इसमें कुछ लाइक like, नई बात नहीं है समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टू टॉक द फ्रूट फ्रूट सेलर सेलर थोड़ी देर बाद बजाने बजाने की जगह से बात करने लगते हैं आई इमेजिन दैट दिस हैज बिन पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर फिर वो सोचते कि शायद ये अपने रोजमर्रा के दिनों में लाइक like, हमेशा यही करते हैं कि थोड़ी देर गाना बजाते हैं उसके बाद फ्रूट सेलर से बात करते हैं आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टे माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्स तो फिर वो इतना ज्यादा मगन हो जाते हैं उनके फ्लूट सुनने के लिए कि वो वहाँ से हिल ही नहीं पाते फ्लूट म्यूजिक वो बोलती हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही होता है इट इज एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड बोलती है कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सल साउंड है और मोस्ट पर्टिकुलर साउंड भी है कि मतलब बहुत ही कॉमनली मिल जाता है हर जगह सुनाई देने को सुन पाओगे तुम फ्लूट्स को पर देन साथ के साथ उसकी जो साउंड है बहुत यूनिक है बहुत पर्टिकुलर है

हिंदुस्तान में भी यूज होता है फ्लूट साउथ अमेरिका में भी यूज होता है फ्लूट, उन सबके अलग अलग तरह के नाम हैं, और फिर भी करते है। करो फिंगरिंग क्या है वे ऑफ प्लेसिंग द फिंगर्स टू प्ले डिफरेंट नोट्स तो अलग अलग नोट्स बजाने के लिए अलग अलग फिंगरिंग होगी एंड द कंपस कंपस क्या होता है रेंज तो मतलब जो रेंज होती है किस रेंज में तुम्हें ब्लो करना है वो सब it weaves its own associations तो इसके हर एक के अलग-अलग एसोसिएशंस -अलग होंगे एसोसिएशंस क्या हैं? किसी चीज के साथ रिलेट करना किसी चीज के साथ उसका एक रिश्ता होना yet to hear any flute is it seems to me to be drawn into the commonality of all mankind तो वो बोलती कि मेरे लिए ऐसा है कि अगर मैं फ्लूट सुनता हूँ तो मेरे को बेसिकली कॉमनलिटी ऑफ मैनकाइंड दिखाई देती है

तुम हवा बाहर छोड़ रहे हो इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन तो तुम्हें पॉज भी करना पड़ता है उसके बाद ब्रीथ करना पड़ता है सो so दैट तुम आगे और गाना बजा पाओ आई कैन बी सो सोक्टेड बाई अस दसुरी की वो बोलते है मुझे इतना ज्यादा इफेक्ट कर जाएगा बांसुरी के कुछ फ्रेजेस सुनने में फ्रेजेसननेरप्राइजेस मी एट फर्स्ट तो ये ये सोच के वो सरप्राइज हो जाते हैं खुश हो जाते हैं फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग एबसेंस अब्रॉड आई हैव हार्डली नोटिस तो वो अब गए थे कुछ टाइम के लिए पहले जब प्रिवियस uh, ओकेजन में जब पहले ओकेजन क्या होता है कि जैसे कुछ festivals या कुछ important events, तो उन वक्त में जब वो वापस गए थे जब भी वो रिटर्न करते थे घर वापस आते थे तो उनको एबसेंस लगती थी अब्रॉड क्योंकि वो बाहर इंडिया से बाहर रह रहे थे तो वापस आके भी वो बहुत ही मुश्किल से उनके डिटेल सुन पाते थे बहुत ही ध्यान से बाई सुन पाते थे विदग्निफिकेंस आई नाउ डू तो बोलते कि मैं उनको कभी भी उस लेवल का सिग्निफिकेंस नहीं दिया उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया इम्पोर्टेंस कि देना वो नहीं दिया है और देंगे आज उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन इज लाइफ जो फ्लूट है उसकी ब्यूटी को समझा है उसकी हर एक टेक्निकालिटी समझा है आज वो फ्लूट की सिंपलिसिटी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और साथ के साथ उन्हें आज न्यू फाउंड लव मिला है फ्लूट को लेके की अब वो फ्लूट से और ज्यादा अटैच हो गए हैं उनको उसमें बहुत ज्यादा पीस मिलता है और साथ के साथ हमने इस चैप्टर में उनके पूरे काठमांडू के ट्रिप के बारे में देखा कि कैसे वो अलग अलग टेम्पल्स में जाते हैं उन्होंने हमें अच्छे से डिस्क्राइब किया कि कैसे वहां पे पूरी काठमांडू की स्ट्रीट्स कैसी होती है वहां पे ज्यादा किस चीज के लिए काठमांडू जाना जाता है वहाँ के स्ट्रीट्स में क्या क्या हलचल हो रही है ये सब कुछ चीजें हमें ऑथर ने समझाई है तो दिस इज इट फॉर द चैप्टर थैंक यू क्लास एक्स से ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करे डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर